नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पेरिस में 5-स्टार होटल मालिक होने का दावा कर 26 महिलाओं से 2.25 करोड़ की ठगी का आरोपी पहुंचा जेल। पेरिस जैसे खूबसूरत और संपन्न देश में 5-स्टार होटल का मालिक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति जिसने अपने जांसे में आई भोली भाली महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी के साथ ही कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार करने के आरोपी को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने अब तक 26 महिलाओं को ठगा है, ऐसा दावा ठाणे की कापुरवाड़ी पुलिस ने किया है। इस आरोपी ने केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि केरल, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे राज्यों में भी कुछ महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। ठाणे शहर में पुलिस की गिरफ्त में आया प्रजीत जोगेश केजे उर्फ प्रजीत तायल खलीत उर्फ प्रजीत टेके नाम का यह ठग, जिसकी उम्र 44 वर्ष है। यह ठग सोशल साइट पर महिलाओं से पहले संपर्क करता था और फिर अपने आप को काफ़ी अमीर बताकर इसके संपर्क में आई महिलाओं को पेरिस में अपना 5-स्टार होटल होने का झांसा देता था। फिर महिलाएं जब इसके झांसे में फंस जाती थी तब वह इन महिलाओं को ठगी और बलात्कार का शिकार बनाता था। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इसने मुंबई, ठाणे, केरल, बेंगलोर और कलकत्ता जैसे शहरों में भी कई महिलाओं को अपने ठगी का शिकार बनाया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 26 महिलाओं के साथ इस आरोपी ने करीब 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर, आज के पत्रकार परिषद के बारे में जो आपने रखा उसके बारे में क्यों रखा है बताइए। कापुरवाड़ी पुलिस स्टेशन में CR नंबर 388/21 दाखिल हुआ है, जिसमें एक महिला ने IPC सेक्शन 376 420 के तहत गुनाह दाखिल किया है। इसमें उस महिला ने यह बताया कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 के दरमियान एक व्यक्ति है, उसने उसके साथ संबंध प्रस्थापित करके अनेक रीजंस के द्वारा थोड़ा उनको आमिष दिखाते हुए लगभग 16,86,000 रुपए उनसे ले लिए थे और इस तरह से उनको चीट किया था। इसके ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद में ACP श्री सोनाव ने, सीनियर PI उत्तम सोनाव ने और क्राइम PI मुठे मैडम, इन्होंने अपनी टीम के तहत काम का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो अक्यूज़ था, जिसका कोई मोबाइल नंबर या डिटेल्स हमारे पास नहीं थे, केवल नाम अलियास नाम के हिसाब से था, असली नाम उसका क्या था ये भी हमको ठीक से पता नहीं था, बट टेक्निकल एविडेंसेस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसको पिन पॉइंट किया गया और एक ट्रैप ले करके हमने 11 तारीख को उस व्यक्ति को थाने में अरेस्ट किया। अभी तक हमको उसकी कस्टडी 20 तारीख तक मिली है और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये पता चला है कि उसने अभी लगभग 26 महिलाओं को इसी तरह ठगा है और उनसे करीब करीब 2,58,00,000 रुपए उनसे ठग के लिए हैं। ये जो महिलाएं हैं केवल महाराष्ट्र में न रहते हुए केरला, कर्नाटका, बैंगलोर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ऐसे विभिन्न राज्यों की महिलाओं को उसने ठगा हुआ। इसकी मोडस ऑपरेंडी वो मैट्रिमोनियल साइट्स में अपनी एडवर्टाइज देता था और अपने आप को एक करोड़पति बताता था और ये इम्प्रेशन डालता था कि वो पेरिस में उसका एक 5-स्टार होटल है और यहाँ पे भी उसके अनेक वो बिजनेस हैं, ऐसे बता के वो उन महिलाओं से सोशल मीडिया से ही के द्वारा ही वो कांटेक्ट में आता था और फिर बाद में एक रिलेशन डेवलप होने के बाद वो उनसे पर्सनली मिलके फिर बाद में अपना जाल बिछाता था। सर, इसके पास से रिकवर क्या हुआ अभी तक? अभी रिकवरी कुछ नहीं हुई है, अभी छानबीन जारी है। सर, आपके इस मामले में कुछ और आरोपी हो सकते हैं, उनका क्या रोल है? उनका रोल बेसिकली ये पैसे जो है ये सारे ऑनलाइन ट्रांसफर होते थे तो उसे वो खुद के अकाउंट्स में कभी ट्रांसफर नहीं करता था। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।